फिल्मों की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा काजल राघवानी अब नायिका से गायिका बन गई हैं। ये बात शायद आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर काजल के कई सारे गाने रिलीज हुए हैं जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया है। कुछ दिनों पहले काजल राघवानी का एक ऐसा ही सैड सॉन्ग रिलीज हुआ जिसके बोल थे तू बेवफा कहलाएगा। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया लेकिन इस गाने के बाद ऐसे कयास भी लगाए जाने लगे कि काजल राघवानी को किसी से धोखा मिला है तो उन्होंने ये गाना गाया है। लोग कयास लगा ही रहे थे कि तब तक अपना हाल दिल और दर्द दिल काजल ने खुद ही बयां कर दिया अपने सोशल अकाउंट के जरिए। आपको यकीन हो या ना हो लेकिन काजल राघवानी को किसी ना किसी से धोखा तो जरूर मिला है और ये बात सच है। इन दिनों काजल राघवानी रांची में अपनी फिल्म कोली नंबर 1 की शूटिंग खेसारी के साथ कर रही है। इस फिल्म के सेट पर भी काजल राघवानी बड़ी उदास नजर आ रही हैं आजकल। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो बीते दिन पहले देखा होगा आप लोगों ने कि काजल राघवानी ने अपने सोशल अकाउंट से एक बहुत ही दुख भरा पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, भरोसा करना कमजोरी है हमारी और भरोसा तोड़ना फितरत है तुम्हारी। इसके अलावा एक कमेंट में भी काजल राघवानी ने अपना बहुत सारा दर्द बयां किया है ये कहकर कि पता नहीं हम जिसको जो मान बैठते हैं वो अपने आप को क्या समझता है, हम जिस पर इतना भरोसा करते हैं वो क्यों हमसे दूर हो जाता है। काजल राघवानी की इन बातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई तो इस दुनिया में ऐसा है जिसे काजल करती हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद, जिसे काजल बनाना चाहती हैं अपना सबसे करीबी। लेकिन धोखा मिलने के बाद टूट चुका है काजल का भरोसा जिससे दुखी और राहत होकर काजल राघवानी ने शेयर की है अपनी दिल की बात। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो लकी है कौन जिसे काजल राघवानी इतना प्यार करती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।